सब्सक्राइब कीजिए धर्मेंद्र खत्री चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन को जिससे आपको लेटेस्ट खबरें लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। हाय दोस्तों, मैं धर्मेंद्र खत्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। दोस्तों आज बताऊंगा कुछ न्यू खबरें, कुछ न्यू अपडेट दूंगा दोस्तों आपको। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। हाँ दोस्तों, आज की पूरी खबर दोस्तों ये है, फ़ोन में कम है 4G स्पीड, इस आसान तरीके से होगा तेज। दोस्तों पूरी खबर ये है, वैसे आजकल देश में लगभग हर शख्स 4G फ़ोन यूज कर रहा है, लेकिन इन फ़ोन में लोगों को 4G स्पीड नहीं मिल पा रही है। अक्सर लोगों को ये शिकायत करते सुना जा सकता है कि उनके फ़ोन में इंटरनेट की स्पीड कम है। ये हर शख्स की परेशानी है कि अच्छा नेटवर्क मिलने के बावजूद स्पीड कम हो जाती है। इस परेशानी से बचने के लिए आज हम आपको कुछ आसान स्टेप्स बताने जा रहे हैं। अपने स्मार्टफोन में आप इन सेटिंग्स के जरिए इंटरनेट की स्पीड बढ़ा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि टेलीकॉम कंपनी कॉपर केबल या वायर्ड नेटवर्क के जरिए अपने नेटवर्क को कनेक्ट करती हैं। ऐसे में इन टावर से कनेक्ट हुए मोबाइल सर्वर पर इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है। वहीं ऑप्टिकल फाइबर जुड़े टावर से कनेक्ट हुए मोबाइल डिवाइस पर इंटरनेट की स्पीड अच्छी मिलती है, साथ ही नेटवर्क भी पूरा मिलता है। वैसे फिलहाल एयरटेल हो या रिलायंस जियो, सभी कंपनियां अपने टावर को ऑप्टिकल फाइबर के जरिए ही कनेक्ट कर रही हैं ताकि ग्राहकों को बेहतर इंटरनेट की स्पीड मिल सके। इसके अलावा हमारे स्मार्टफोन में कुछ ऐसी सेटिंग करनी चाहिए जिसकी मदद से आप तेज़ इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने स्मार्टफोन के नेटवर्क सेटिंग में जाकर प्रीपेड नेटवर्क के तौर पर 2G 3G 4G सेलेक्ट कर लें, या फिर परफेक्ट टाइप ऑफ नेटवर्क को 4G या LTE सेलेक्ट करें। इसके बाद आपको नेटवर्क सेटिंग में ही एक्सेस पॉइंट नेटवर्क APN की सेटिंग भी दिखेगी, उसे चेक करें क्योंकि इंटरनेट की स्पीड सही मिलने के लिए APN का सही होना ज़रूरी है। APN सेटिंग से मेनू में जाकर सेटिंग को डिफ़ॉल्ट सेट कर लें। इन सब के अलावा आपको फ़ोन में इंस्टॉल हुए सोशल मीडिया ऐप को चेक करें कि इनमें वीडियो का ऑटो प्ले ऑन किया हुआ है कि नहीं, क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे ऐप्स बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और आपके फ़ोन के इंटरनेट को धीमा कर देते हैं। इन सब के अलावा फ़ोन में इस्तेमाल कर रहे ब्राउज़र में डाटा सेविंग मोड को ऑन कर दें, इससे भी आपके फ़ोन में तेज़ इंटरनेट मिलेगा। दोस्तों एक अपडेट आ चुकी है, दोस्तों न्यू अपडेट ये है, वह व्हाट्सअप ला रहा शानदार फीचर, बिना टेप करे सुन सकेंगे वॉइस मैसेज। दोस्तों पूरी खबर ये है, व्हाट्सअप में लगातार आ रहे अपडेट के बीच अब इसमें एक नया फीचर जुड़ने जा रहा है। इस फीचर के आने के बाद वॉइस मैसेज भी भेजना और सुनना और भी आसान हो जाएगा। खबरों के अनुसार मोबाइल मैसेज ऐप जल्दी एक नया फीचर जारी कर सकती है। इस फीचर का नाम व्हाट्सएप कंसेक्यूटिव वॉइस मैसेज। एक वेबसाइट के अनुसार व्हाट्सएप इस फीचर की टेस्टिंग बीटा वर्जन 2.18.360 पर कर रहा है। जैसा कि नाम से ही बात समझ में आता है, व्हाट्सएप यूजर्स को एक साथ सारे वॉइस मैसेज प्ले कर सुनने की सुविधा देगा। इसके लिए उसे हर वॉइस मैसेज पर अलग से क्लिक करने की जरूरत नहीं होगी। फिलहाल यूजर को एक से ज़्यादा वॉइस मैसेज सुनने के लिए उसे हर मैसेज पर क्लिक कर उसे डाउनलोड करना होता है, लेकिन नया फीचर आने के बाद ऐसा नहीं होगा। एक वॉइस मैसेज प्ले करने के बाद दूसरा खुद से प्ले होगा, यानी अगर चार वॉइस मैसेज हैं तो एक को प्ले करने पर लगातार खुद से ही अब आप चारों वॉइस मैसेज सुन सक पाएंगे। हर बार आपको वॉइस मैसेज पर क्लिक करके प्ले करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिलहाल ये फीचर व्हाट्सएप के स्टेबल वर्जन में भी सभी के लिए जारी नहीं किया गया है। अगले अपडेट के साथ ये फीचर मिल सकता है। नए अपडेट के बाद एक वॉइस मैसेज प्ले होने के बाद दूसरे में स्विच होने से पहले आपको टोन सुनाई देगी, जिससे आप समझ पाएंगे कि फिलहाल पहला वॉइस मैसेज खत्म हो चुका है और अब अगला वॉइस मैसेज सुनेंगे। दूसरे टोन तब सुनाई देगा जब आगे कोई दूसरा वॉइस मैसेज नहीं होगा। इस नए फीचर से वॉइस मैसेज करने का अनुभव निश्चित तौर पर बदलेगा और आसान भी होगा। दोस्तों ये तो मेरा आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, और कमेंट कर बताइए वीडियो को कैसे लगा, अच्छा लगा ख़राब लगा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इससे भी मेरे को नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक।